नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर नंबर 209/3/2024 का, ठीक है, जो कि 26 जून 24 को इशू किया गया। यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में समझेंगे। जब एक अंडरस्टैंड पर्सन को सप्लाई की जाती है गुड्स की, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब बिल टू शिप टू का केस हो, बिल किसी और एड्रेस पर हो रहा हो और शिप किसी और एड्रेस पर हो रहा हो, तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइंड करेंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दी है, चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, IGST एक्ट के अंदर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के बाद क्लोज CA इंसर्ट किया गया है, एक नया क्लोज इंसर्ट किया गया है, जिसका इफेक्ट मैं आपको बता दूँ 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 का देख सकते हैं, 29 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर CGST एक्ट में, मतलब IGST एक्ट में अमेंडमेंट कर दी गई थी और यहाँ पे ये सेक्शन लाया गया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज CA, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल था। इस क्लोज में क्या था? इस क्लोज के अंदर देख सकते हैं, ये वाला क्लोज है, इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बोलता है ये क्लोज? वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन इन क्लोज A और क्लोज C बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लाई वर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। क्या कहता है ये क्लोज? ये क्लोज ये कहता है कि जो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में है, बोल रहा है अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो सप्लाई एड्रेस होगी, जो इनवॉइस के अंदर एड्रेस रिकॉर्ड होगा, वही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, या जो सप्लायर का लोकेशन होगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मतलब कि अगर एड्रेस इनवॉइस पर नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्योंकि अगर इनवॉइस पर एड्रेस मेंशन किया गया है, तो कई बार होता क्या है, इनवॉइस पर दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक बिल टू एड्रेस होता है, एक शिप टू एड्रेस होता है, तो कौन सा एड्रेस यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बिल टू वाला या शिप टू वाला, यानी डिलीवरिंग एड्रेस या फिर जहां पे पर्सन लोकेटेड है वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे क्लेरिफिकेशन दिया है, गवर्नमेंट के पास जो पावर है सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 के अंदर, उसको यूज करते हुए यहां पे गवर्नमेंट कह रही है, चलिए समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू बता रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले ये इशू है, उसके बाद इसका क्लेरिफिकेशन है। तो इशू में क्या बोलते हैं कि मिस्टर ए जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और लोकेटेड है एक्स स्टेट में, ठीक है, और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्डर प्लेस करता है, मतलब ऑनलाइन सामान कुछ मंगा रहा है, और ए जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, GST में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी एक्स स्टेट में रहता है, ठीक है, उसने मोबाइल फोन ऑर्डर किया और वो डिलीवर कर रहा है वाई स्टेट में, मतलब वो रहता है एक्स में है, एक्स स्टेट के अंदर रह रहा है, और जो गुड्स है उसका शिपिंग यानी शिप कर रहा है किसी दूसरे स्टेट में, डिलीवरी या शिप एक ही बात है, डिलीवरी कर रहा है या शिप कर रहा है किसी दूसरे स्टेट के अंदर, स्टेट वाई में। तो मिस्टर एक्स ने बिलिंग एड्रेस तो वो वाला दिया जिस स्टेट में वो रहता है, लेकिन उसने शिपिंग एड्रेस को दूसरा दिया जिस स्टेट में उसको भेजना है, कौन से स्टेट में, वाई स्टेट में शिपिंग एड्रेस दिया उसने, यानी रह रहा है वो एक्स स्टेट में और दे रहा है शिप कराना है उसको वाई स्टेट में, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, एक्स स्टेट जिस स्टेट में वो रह रहा है जिसका वो बिलिंग एड्रेस है, या फिर वाई स्टेट जो एक डिलीवरिंग स्टेट है या शिप टू स्टेट है, बिल टू स्टेट या शिप टू स्टेट या डिलीवरिंग स्टेट, तो कौन सा स्टेट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? तो यहाँ पे क्लियर कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो क्लोज CA के अकॉर्डिंग, IGST का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के क्लोज CA के अकॉर्डिंग, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जो इनवॉइस पे रिकॉर्ड होगा एड्रेस, ठीक है, और जो सप्लायर का एड्रेस है जो इनवॉइस पे रिकॉर्डेड नहीं है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इस वाले एग्जांपल के अंदर जो इनवॉइस पे रिकॉर्डेड एड्रेस है जहां गुड्स शिप हो रहा है, कहां पे गुड्स शिप हो रहा है, वाई स्टेट में, वो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। देखो यहां पे क्लियर कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट इन सच केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन इनवॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिलिंग एड्रेस ऑफ द सेट अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज CA सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 शैल बी एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स की डिलीवरी का एड्रेस है वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, मतलब कि वाई स्टेट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी,
ठीक है, मतलब अगर आपने बिल पे दो एड्रेस मेंशन कर रखा है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, तो जो शिपिंग एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, ना कि बिलिंग एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है, तो जिस एड्रेस पे गुड्स डिलीवर होगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो साधारण सी भाषा में एक्सप्लेन कर देते हैं कि मिस्टर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अमेजोन से कोई ऑर्डर मंगाया, मोबाइल फ़ोन मंगाया, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो वो यूपी में रहता है और दिल्ली में उसने अपने सिस्टर के पास उसको मोबाइल फ़ोन भेजना था, तो उसने जो यूपी में रहता है उसने जब ऑनलाइन अमेजोन पे ऑर्डर बुक किया तो उसने एड्रेस तो अपना डाला, बिलिंग एड्रेस, कि भाई मेरे को बिल कर देना लेकिन शिप उसको करना है, तो बिलिंग एड्रेस उसने यूपी का डाल दिया लेकिन डिलीवरी करा दिया दिल्ली के अंदर, यानी मोबाइल जो शिप होगा वो दिल्ली में उसके सिस्टर के पास हो जाएगा, लेकिन उसने बिलिंग अपने नाम से कराया ताकि वो अपने खर्चे को कहीं दिखा सके, कहीं कंपनी में दिखा सके, या उस बिल का यूज़ करके वो खर्चे का क्लेम ले सके, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो उस केस में जहाँ पे गुड्स डिलीवर होगा इस तरह के सिनेरियोज के अंदर, वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, मतलब दिल्ली में जो गुड्स डिलीवर हो रहा है तो दिल्ली यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है, समझ में आया? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज CA के अंदर ये चेंजेस कर दिया गया, ये सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया, जिस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर बदलाव आया है। अगर इनवॉइस के ऊपर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आप B2C सेल कर रहे हैं, दो एड्रेस मेंशन है, बिल टू शिप टू, तो जिस एड्रेस पर शिप होगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। अगर एक ही एड्रेस है तो जो एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, और एड्रेस नहीं है तो जो सप्लायर का लोकेशन है, जो माल बेच रहा है, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।